चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। कल हमने नर्स डिक्टेशन फॉर डेनियल सेल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कौन सा इक्वेशन नर्स्ट का यूज करना है वो देखा था, और जो ऑर्डिनरी कंडीशंस होते हैं जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंट रहते हैं, साथ में आपके सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो भी डिफरेंट रहता है, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और वैसा होता है तो एक अलग नर्स्ट इक्वेशन का हम यूज करते हैं, जिसमें हम टेम्परेचर प्रेशर सारी वैल्यूज को यूज नहीं किए रहते, जिसमें आर की वैल्यू आपको आर ही रखनी है और टेम्परेचर जो भी गिवन किया जाएगा उस कंडीशन पे वो आपको पुट करके आगे कैलकुलेशंस करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर बताया गया है, देखिएगा कि जो आपको दिख रहा होगा, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल बाय नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से हम कैसे ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे सेल का, इसके बारे में देखते हैं। तो याद रखिएगा, नर्स्ट इक्वेशन ओनली एप्लीकेबल किसके लिए होता है, ऐसा केमिकल इक्वेशन जो कि रेडॉक्स रिएक्शन को शो करेगा। इससे ये बात तो प्रूफ हो जाती है जो भी हमने इक्वेशन देखा उसके बेस पर। तो इन अ रेडॉक्स रिएक्शन हमारे पास टू हाफ सेल्स होते हैं, जिनमें से एक हाफ सेल आपका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और दूसरा हाफ सेल आपका क्या करता है, रिडक्शन का प्रोसेस करता है। लेकिन टू हाफ सेल्स में अगर डिफरेंट वैलेंसीज होगी, मींस एक हाफ सेल आपका प्लस टू वैलेंसी को शो कर रहा है और दूसरा हाफ सेल आपका प्लस वन वैलेंसी को शो कर रहा है, तो उस कंडीशन पर ईएमएफ ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, इस इक्वेशन में जो कॉपर है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर टू प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर कॉपर टू प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स इसमें से टू इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। मीन्स इसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो आपका कौन सा प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया। ठीक है, उसके बाद जो दिया हुआ है सॉल्ट ब्रिज के बाद Ag+ जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है और Ag में कन्वर्ट हो रहा है। अब इस इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखो, इन बोथ इक्वेशंस में अगर मैं ये जो मेरा रिडक्शन का जो प्रोसेस हो रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दूं टू से, तो जब मैं इसको टू से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, जब इस टाइप का आपको इक्वेशन मिलेगा जिसमें एक सेल का जो वैलेंसी है वो हाफ सेल का, एक हाफ सेल का जो वैलेंसी है वो डिफरेंट है और दूसरे हाफ सेल का जो वैलेंसी है वो डिफरेंट है, तो उस टाइम पर दोनों वैलेंसीज को आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों वैलेंसीज को इक्वल करने के लिए, दोनों वैलेंसीज को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जो कॉपर है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आपका कॉपर टू प्लस से बना रहा है, टू इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ठीक, इसके बाद हमारा जो Ag+ है इसने क्या किया, वन इलेक्ट्रॉन को गेन किया और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Ag+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, मैंने बोला टू से मल्टीप्लाई करना होगा। जब इसको आप टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टू Ag+ में, और यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, टू Ag आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस लिख लिया है, कैंसिल कर लीजिएगा, ये टू Ag आ जाएगा। अब देखो ये कंप्लीट इक्वेशन जब आप लिखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा इधर से, ये कैंसिल हो जाएगा इधर से, और बचेगा क्या आपके पास, कॉपर बचेगा प्लस यहाँ पे आपके पास बचेगा टू Ag+ बचेगा, और ये रिएक्ट करके आपको क्या देगा, कॉपर टू प्लस देगा, प्लस बनाएगा टू Ag। ठीक, जिसमें इस कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये जो Ag+ आपको दिख रहा है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है,
तो रिएक्शन को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए क्या होता है, रिएक्शन को मैंने बैलेंस कर लिया, सेल रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखिए तो वो सेल रिएक्शन कैसे लाया गया है आपको क्लियर हो गया है, टू से मल्टीप्लाई करके लाया गया है। वैसे ही जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप उतने नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके आप उसको बैलेंस कर सकते हो, एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। तो यहाँ पर ये जो सेल रिएक्शन आया है कॉपर से, कॉपर प्लस टू ए जी प्लस इज इक्वल कॉपर टू प्लस प्लस टू ए जी लिखा हुआ आपको दिख रहा है। तो ये कैसे आया आपको क्लियर हो गया होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हमने टोटल रिएक्शन को जब रिप्रेजेंट करेंगे दोनों को कंपेयर करके तो हमको ये रिएक्शन मिलेगी जो कि अभी मिली हुई। ठीक है, इसके बाद हमने अपने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया तो सेल रिएक्शन हमको मिल गई, लेकिन जो हमारी क्वेश्चन पे है डिफरेंट वैलेंसी के बेसिस पे है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल्स आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले जो आपका Ag+ है, Ag+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag+ आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है जहां पर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ये मेरे लिए कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, रिडक्शन का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो रिडक्शन के प्रोसेस के लिए हमारा नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाता है, ई ए जी प्लस टू आप क्या लिखोगे, ई ए जी प्लस से किस में जा रहा है, ए जी में जा रहा है, यही इक्वेशन है। ऑल इज इक्वल ई नॉट इन अ स्टैंडर्ड कंडीशन सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, ए जी प्लस टू ए जी प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आर टी अपॉन एन एफ आ जाएगा। तो फॉर दिस इक्वेशन इस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर एन का रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया है, सिर्फ क्या लिखा गया है, ओनली एफ लिखा गया है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पर ओनली क्या लिखा है, एफ लिखा है, क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो उसी वन एफ को यहाँ पे ओनली एफ लिख दिया गया है। और एल एन पे लिया गया है, यहाँ पे ये जो ए जी है वो सॉलिड स्टेट में है, मतलब आपको इन अ सॉलिड स्टेट अगर कोई मेटल है तो उसको एक यूनिट मानना है, यूनिट मानना है, तो मेरे पास एक्वस क्या बचेगा, सिर्फ ये सिल्वर आयन मेरे पास एक्वस बचेगा। ठीक है, तो इन अ फॉर्मूला उसी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर किया गया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखिए Ag+ का रिप्रेजेंटेशन है, जबकि यहाँ पर Ag भी है लेकिन Ag कौन से फॉर्म पे है, सॉलिड फॉर्म पे है। और कल की क्लासेस में हमने देखा था कि अगर सॉलिड फॉर्म पे कोई भी हमारा मेटल एटम होगा तो उसको हमको एक यूनिट कंसीडर करना है। ठीक है, और नीचे जो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पर हमारा कॉपर टू प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंजेस है, दो इलेक्ट्रॉन का चेंजेस है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है उसको कितना शो किया गया है, 2f शो किया गया है। और यहाँ पर भी कॉपर सॉलिड फॉर्म में है तो जो हमारा रिएक्टेंट का मास है वो यूनिट हो जाएगा, तो यूनिट होने की वजह से उसको लिखा नहीं गया है, सिर्फ एक्वस का कंसंट्रेशन लिखा गया है, किस फॉर्म में, कंसंट्रेशन ऑफ टू पॉजिटिव आयन। और इसको क्यों लिया गया है, बिकॉज इसका मोलर कंसंट्रेशन किस में है, एक्वस में है, इस वजह से। और बाकी प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड में होता है तो उसको हमको क्या मानना रहता है, यूनिट मानना रहता है। ठीक है, तो ये आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों सेल का पता चल गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर मुझे होल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था टोटल रेडॉक्स रिएक्शन को यूज करेंगे, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों इक्वेशन को कंबाइन फॉर्म में लेना है। ये तो मैंने जो लिया ये क्या था, हाफ का था। अब टोटल सेल का अगर मुझे लेना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल ई आर माइनस क्या होता है, ई एल, जहां पर ये आर राइट हैंड साइड को डिनोट करता है और एल लेफ्ट साइड को डिनोट करता है। और हम सभी जानते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो प्रोसेस होता है वो एनोड पे होता है, और एनोड पे ऑलवेज जो प्रोसेस होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा आपका, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। और जो आपका राइट साइड होगा वहां पर आपका कैथोड होगा, और कैथोड पे ऑलवेज जो प्रोसेस होता है वो आपका कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन का प्रोसेस होता है। इस बात को याद रखिएगा, इन एवरी सेल ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल सेम होता है। ठीक है,
तो वही फॉर्मूला हमने यूज किया है टोटल सेल का ईएमएफ पता करने के लिए. टोटल सेल जब हमने दोनों हाफ सेल को विद द हेल्प ऑफ एनर्जी सोर्स क्या किया, कनेक्ट किया तब. ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, ई सेल इज इक्वल, ई सेल इज इक्वल ई आर माइनस हो जाता है ई एल, जहां पर इस आर पे आपको जो रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है उसको शो करना है. हाफ सेल का अभी आपने निकाला था ई नॉट ए जी प्लस से ए जी प्लस आर टी अपॉन एन एफ, एल एन क्या हो जाता है आपका ए जी प्लस हो जाता है, उसको आप लिखोगे और नीचे आप क्या लिख लोगे, जो आपका कॉपर का प्रोसेस हो रहा है. तो यहाँ पर देखो ए जी प्लस का स्क्वायर लिखा हुआ है, बाकी सब तो सेम है लेकिन ए जी प्लस का स्क्वायर लिखा हुआ है. ये स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है, देखिए ये जो स्क्वायर है यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, सॉरी हाँ यहाँ पे आपको ये स्क्वायर जो दिख रहा है, ठीक है ये स्क्वायर किसके बेस पे है, जब हम टू से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ए जी प्लस को मुझे किसमें कन्वर्ट करना था, ए जी में कन्वर्ट करना था, तो मैंने रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या किया था, इन दोनों को टू से क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था. तो जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो इक्वेशन क्या आ जाता है, टू ए जी प्लस टू इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमने देखा था वो कन्वर्ट हो जाता है टू ए जी में. तो ये 2Ag जो बना ये तो सॉलिड स्टेट में है, और यहाँ पर ये जो 2Ag प्लस है आयनिक फॉर्म में ये एक्वस स्टेट में है. तो कितने Ag एक्वस स्टेट में है, 2Ag. तो ये 2 को यहाँ पर हम कंसंट्रेशन के किस में लिखते हैं, पावर पे लिखते हैं, इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा मत. इसके पावर पे इस वजह से क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है, जो आपका सिल्वर का पावर दिख रहा है. क्लियर हो गया यहाँ पर पावर क्यों लगा है. उसके बाद कॉपर का जो हम रिएक्शन कराते हैं तो उसमें तो कॉपर के सामने कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं लिखा होता, चार्जेस नहीं है वो, याद रखना वो उसकी स्टाइकियोमेट्री है. ये जो पावर पे लिखा हुआ है ना स्क्वायर, ये उसकी स्टाइकियोमेट्री है. ठीक, कॉपर पे नहीं लिखा है क्योंकि कॉपर की स्टाइकियोमेट्री कितनी है, 1 ही है. यहाँ पर देखिए कितना लगा है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स उसकी स्टाइकियोमेट्री 1 ही है. और यहाँ पर कितना लगा है, 2 लगा हुआ है, दैट मीन्स उसकी स्टाइकियोमेट्री कितनी है, 2 है. तो इस वजह से यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर लिया गया है और यहाँ पर कॉपर 2 प्लस का कोई भी स्क्वायर नहीं लिया गया है क्योंकि वो 1 ही होगा. ठीक, जब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला आता है उसमें दोनों के पोटेंशियल्स हमको विद द हेल्प ऑफ जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है उसके हेल्प से हमको पता चल जाएगा, उसके हेल्प से हमको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा. तो हम उसको करेंगे क्या, देखिए ये जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पोटेंशियल आपके पास प्रेजेंट होगा कैसे, एजी प्लस से एजी में जाना, मतलब यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल हमको दिया हुआ है 0.80 वोल्ट. ये जो आपको दिख रहा है 0.80 वोल्ट, ये रिडक्शन पोटेंशियल है हमारे सेल का. उसके बाद कॉपर 2 प्लस से कॉपर में कन्वर्ट होना, मतलब यहाँ पर क्या, कौन सा प्रोसेस हो रहा है एक्चुअल में, यहाँ पर इन अवर रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है लेकिन दोनों जगह पे जो प्रोसेस, जो वैल्यू हमको दी गई है वो कौन सी वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है. ये फॉर्मूला हमको रिडक्शन पोटेंशियल को बता रहा है क्योंकि यहाँ पर Ag प्लस से Ag बन रहा है और कॉपर 2 प्लस से कॉपर बन रहा है, मतलब दोनों ही रिडक्शन की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं. तो जब मैं इस कॉपर 2 प्लस को अपने फॉर्मूला पे पुट करूंगी तो उसके सामने मैं साइन क्या कर दूंगी, चेंज कर दूंगी, क्योंकि एक्चुअल में इक्वेशन में जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, लेकिन जो वैल्यू दी हुई है वो किसकी है, रिडक्शन प्रोसेस की वैल्यू मुझे दी हुई है. ठीक है, तो जितना वैल्यू हमारा रिडक्शन या ऑक्सीडेशन में आता है, चाहे वो रिडक्शन आपने करवाया हो चाहे आपने ऑक्सीडेशन कराया हो, वही वैल्यू का हम साइन चेंज कर देते हैं तो वो उसका क्या हो जाता है, अपोजिट वैल्यू. जैसे ऑक्सीडेशन में अगर वो वैल्यू आता, जैसे 0.34 अगर ऑक्सीडेशन में ही आता तो रिडक्शन में मैं उसको कितना मान लेती, -0.34 वोल्ट मान लेती. ठीक है, और यहाँ पर रिडक्शन में वो वैल्यू आई है 0.34 वोल्ट, तो उसको ऑक्सीडेशन में मैं क्या मानूंगी,
कॉपर का जो वैल्यू है -0.34 वोल्ट, और इसी वैल्यू को आपको पुट करना होगा आपके इक्वेशन पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, रिडक्शन की वैल्यू जो भी हमको पोटेंशियोमीटर के हेल्प से मिलती है, जब हमको उसी मेटल एटम का ऑक्सीडेशन का वैल्यू निकालना होता है, तो हम उसमें साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये साइन चेंज किया गया है, ये जो इक्वेशन है आपको दिख रहा होगा 0.80, फिर माइनस लिखा गया है 0.34, तो इसका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है दिए गए इक्वेशन पे, इस वजह से यहाँ पर -0.34 वोल्ट लिखा हुआ है, और बाकी इक्वेशन में जैसी वैल्यू दी हुई है वैसा ही यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। जब 0.80 को 0.34 से माइनस करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 0.46 वोल्ट, प्लस लिखा है Rt2f ln Ag प्लस का स्क्वायर अपॉन कॉपर 2 प्लस। उसी वैल्यू को आगे बढ़ाया गया है, ln को लॉग में कन्वर्ट किया गया, लॉग में कन्वर्ट किया गया तो इक्वेशन को 2.303 से मल्टीप्लाई किया गया। अगर ये इक्वेशन स्टैंडर्ड कंडीशन पर होगा तो उस टाइम पर जो आर की वैल्यू होगी 8. क्या हो जाएगी, 314 हो जाएगी, गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये, और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 298 केल्विन हो जाएगी। तो इन अ स्टैंडर्ड कंडीशन हमको इसको किस फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना होगा, 0.051 अपॉन, यहाँ पर 2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, और F का वैल्यू कितना होता है, 96500 होता है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो इन तीनों वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज को देखिए, यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई है 2.303 मल्टीप्लाइड बाई आरटी लिखा है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 8.314 मल्टीप्लाइड बाई आप कितना करोगे, 298 केल्विन, ठीक है, डिवाइडेड बाई एफ का वैल्यू कितना होता है, 96500 कूलम, 1 फैराडे का वैल्यू। जब इतनी वैल्यू को आप कैलकुलेट करते हो तब आपका टोटल जो फॉर्मूला है उसमें कितनी वैल्यू आती है, 0.05915 91, ये वैल्यू वहीं से आई है, क्लियर है। और अपॉन 2 क्यों लिया गया है, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजेस है, ये 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को और आगे अगर बढ़ाओगे तो आपको इस वैल्यू को पूरी तरीके से क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो हमको तो यहाँ पर सिल्वर का और कॉपर का कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, जैसे अगर उसका कंसंट्रेशन दिया होता, सपोज हम मान के चलते हैं कि अगर मुझे Ag प्लस का कंसंट्रेशन दिया होता और कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ होता, कि ये कहा जाता कि जो Ag प्लस है उसका कंसंट्रेशन भी 1 मोल का है और जो आपका कॉपर 2 प्लस है उसका कंसंट्रेशन भी 1 मोल का है, तो आगे इक्वेशन क्या हो जाता, आगे इक्वेशन हम ऐसा कर सकते थे, 0.46 वोल्ट प्लस आप कितना करते, 0.0591 अपॉन 2 करते, और जो कंसंट्रेशन है उसको क्या लिखते, 1 का स्क्वायर, Ag प्लस का हमने कितना मोल माना है, 1 मोल माना है, तो आप क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ 1 का स्क्वायर लिखते, अपॉन नीचे भी क्या आ जाता आपका, 1 आ जाता, तो 1/1 ये दोनों कैंसिल हो जाते और बाकी जो फॉर्मूला है हमारा उसके हम कैलकुलेट कर लेते, तो हमको टोटल हमारा जो पोटेंशियल ऑफ सेल है वो हमको मिल जाता, ठीक है। तो ये वैल्यूज कैसे पुट करनी है आपको पता चल गया होगा इन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जनरली नर्स्ट इक्वेशन आपको प्रूफ करने के लिए बोला जा सकता है, जिसके बारे में कल हमने पढ़ा था, नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमने डिस्कस किया था वो आपको प्रूफ करने को बोला जा सकता है, या फिर इससे जो क्वेश्चन आएगा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये जो कंसंट्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन आपको दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू वो गिव करके देगा आपको, और इस अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो इस फॉर्मूला पर पुट करके आप आसानी से जो टोटल सेल होता है हमारा, सेल का पोटेंशियल, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर हमने कैलकुलेशन ऑफ EMF के बारे में देख लिया है। मैम जो ये एंगल वाला है समझ नहीं आया मेरे को, कौन सा बताओ, ये वाला, रुकिए रुकिए मैं इसको रेस करती हूँ फिर बताना, हाँ हाँ रुको, हाँ चलो पूछो, ये एंगल बस,
अच्छा ये, चलो ठीक है। मैम निकालना क्या था मुझे? रुकिए, ये जो ई सेल है, ये जो फॉर्मूला है दिख रहा है, हाँ ई मैम, सेल, सेल मतलब टोटल सेल का आपको पोटेंशियल निकालना है, ठीक है? तो टोटल सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल ई आर माइनस ई एल, जहां पर ई आर जो है वो किसको बता रहा है, इन अ सेल। सेल पता है ना किस टाइप के होते हैं, ये ऐसे यस कनेक्टेड मैम, होते हैं आपस में, ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये आपका राइट साइड हो जाएगा। और हमने अपने प्रोसेस पे देखा था कि राइट साइड जो होता है वो कैथोड होता है, और वहां पर जो वर्क हो रहा होता है वो कौन सा वर्क हो रहा होता है, रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। और जो लेफ्ट साइड है आपका, वहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, और ये आपका क्या होता है, एनोड होता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, जो केमिकल इक्वेशन आपको गिव किया जाएगा, जो केमिकल इक्वेशन आपको गिव किया जाएगा, उसी को आपको लेते हुए इस ई आर की वैल्यू और इस ई एल की वैल्यू को आपको पहले निकालना होगा, जो कि हमने अपने प्रोसेस में कर लिया। देखो यहाँ पर ई आर की वैल्यू हमने यहाँ पे ई सेल कैलकुलेट किया है, आपको दिख रहा होगा, यस ये मैम, देखो, ये ई आर का, ई आर लेफ्ट साइड पे, ये आपका राइट साइड का ई आर का वैल्यू ये शो कर रहा है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, रिडक्शन की प्रॉपर्टी हो रही है। रिडक्शन हो रहा है आपने कैसे पहचाना, बिकॉज एजी प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, एजी में कन्वर्ट हो रहा है। एजी प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, एजी में कन्वर्ट हो रहा है। तो उससे हमने जाना कि यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन का प्रोसेस। और ओवरऑल रिएक्शन जो हमको गिव किया गया है, उसमें भी शो किया गया है कि ये जो एजी प्लस है, एजी में कन्वर्ट हो रहा है। तो एजी प्लस एजी में तभी कन्वर्ट होगा जब वो रिडक्शन की प्रॉपर्टी शो करे, और कॉपर, कॉपर टू प्लस में तभी कन्वर्ट होगा जब वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करे, ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी शो करे, ठीक है? तो एक तो रिडक्शन होगा, दूसरा ऑक्सीडेशन होगा। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा रिडक्शन है और कौन सा ऑक्सीडेशन है। अब वही चीज लेकर हमको क्या करना है, उस फॉर्मूला पे पुट करना है। राइट साइड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो मैंने राइट साइड पे रिडक्शन वाली वैल्यू को पुट किया है। ये देखिए एजी वाली, मैम फॉर्मूला ये, कौन सा, ये वाला? हाँ ये ये वाला ये ये हाँ बिल्कुल, ये क्या हो गया, ये टोटल रिडक्शन का वैल्यू बता रहा है, रिडक्शन का, ठीक है? और यस यहाँ पे मैम, ये जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, ये कौन सा है आपका, टोटल ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को बता रहा है। और ये टोटल फॉर्मूला हमने किससे लिया है, नर्स्ट इक्वेशन से लिया है। कल आपने क्लास में देखा था होगा नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, उसी नर्स्ट इक्वेशन के बेस पे ये दो वैल्यू आई। अब इन दोनों वैल्यूज में से आगे जब हम अपने मैथमेटिकल स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये एजी प्लस से यहाँ पर इसको माइनस कर दिया गया, ये वाली वैल्यू, और यहाँ से ये वाली वैल्यू, ठीक है? और आर टी अपॉन टू एफ यहाँ पे क्या ले लिया गया है, कॉमन ले लिया गया है। और उसके बाद इस साइड पे जो एल एन की वैल्यू लिखी हुई है, ये वाला जो हमारा एजी प्लस का स्क्वायर है और कॉपर टू प्लस है, इसको लिया गया है, तो उससे हमको ये वाला फॉर्मूला मिला, ये जो दिख रहा है आपको। यस निर्भय, मैम, यस मैम, क्लियर हो गया। और उसके बाद जो वैल्यू दी हुई थी उसको पुट कर लिया है, ठीक है? प्रैक्टिस करना एक एक बार कॉपी पे लिख के, यस मैम, रिकॉर्डिंग ना होती तो मैं वीडियो में पढ़ती। चलिए, हाँ तो ये किस बेस पे हमारा जो फॉर्मूला है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट, अगर केमिकल इक्वेशन पे पावर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको यहाँ पे बताया गया है। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उस पे, उसको देख लेते हैं एक बार। हाँ देखिए यहाँ पर देखो, ये जो केमिकल इक्वेशन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से देखना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन दिया हुआ है, जहां पर ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को बता रहा है। किसको बता रहा है,
नंबर ऑफ मोल्स को बता रहा है इन एनी केमिकल इक्वेशन जो प्रेजेंट होता है, या फिर आप उसको स्टोइकियोमेट्री भी ले सकते हो। जैसे मैंने N2 का रिएक्शन कराया किसके साथ, 3H2 के साथ कराया, तो वो क्या बनाता है, 2NH3 बनाता है। तो ये जो 2 है, ये 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है। तो इन सभी को हम नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और रेडॉक्स इक्वेशन में जब हमको इसका कंसेंट्रेशन लेना होता है, तो तब हम इन नंबर ऑफ मोल्स को किस पे लेते हैं, उसके पावर पे लेते हैं। वही यहाँ पे शो किया गया है, देखिए ये एक केमिकल इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ए ए प्लस बी बी एन इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में गिव करता है सी सी प्लस डी डी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन के बेस पे क्या होता है, ई सेल टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल इन अ स्टैंडर्ड कंडीशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल प्लस 2.303 RT, बिकॉज मैंने उसको लॉग में कन्वर्ट किया है, इस वजह से इससे मल्टीप्लाई किया है, RT अपॉन क्या आ जाएगा, NF log 10। इसके बाद देखो यहाँ पर A की पावर क्या लिया गया है, उसके मोल को लिया गया है। यहाँ पर B की पावर स्मॉल b है, मतलब उसके मोल को लिया गया है। C की पावर क्या है, स्मॉल c है। और D की पावर क्या है, स्मॉल d है। यही मैं आपको बता रही थी कि जब हम कोई भी कंसंट्रेशन ऐसा यूज करेंगे जिसमें नंबर ऑफ मोल्स गिव किया गया होगा, तो ऑलवेज उस कंसंट्रेशन के पावर पे हमको उस नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। जब भी हम क्या करेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करेंगे किसी भी सेल का, तो ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा आप सभी। ये केमिकल इक्वेशन था। तो नर्स्ट इक्वेशन आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैसे होता है, कब स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा, कब आपका ऑर्डिनरी कंडीशन पे आप यूज करोगे, देन ईएमएफ ऑफ नर्स्ट इक्वेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है, और कंसेंट्रेशन अगर गिव की गई हो तो कैसे शो किया जाएगा, मोल्स को कहाँ पे लिया जाएगा, हमने सारी चीजें देख ली हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नर्स्ट इक्वेशन, मतलब ऐसा कोई केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ने इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर लिया है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी गई, उसके बाद वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आई, और आफ्टर सम टाइम के बाद दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब उनका जो डायनेमिक मोशन है या काइनेटिक मोशन है वो लगभग इक्वल हो गया है, तो उसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन, जितना अभी इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वहां पे कंटिन्यूसली फ्लो हो रहे हैं, तो उस कंडीशन पर हम नर्स्ट इक्वेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। आज जैसे निर्भय ने डाउट पूछा, और किसी को भी डाउट आता है तो आप क्लासेस में डाउट पूछ सकते हैं, क्लासेस में नहीं तो कम से कम व्हाट्सएप पे पूछिएगा। अगर आपको पहले कॉपी लीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, और जिस भी पॉइंट पे आपको डाउट आएगा इस केमिकल इक्वेशन पे, आप उसको पूछिएगा कि मैम हमको इस पॉइंट पे डाउट आ रहा है, तो तब मैं आपको डाउट उसी टाइम पर ही क्लियर कर दूंगी कि कहाँ पर क्या आपको डाउट है। बोलिए मैम, ये जो इक्वेशन है इसमें लॉग 10 दिया है, और जो इसके पहले वाले इक्वेशन में था उसमें लॉग दिया है, तो इसमें मतलब कि कैसे आया, कौन सी इक्वेशन में बताओ, ये इक्वेशन में जो ये वाला इक्वेशन में 10 दिया है लॉग 10, और जो हम लोग पहले वाले इक्वेशन देखे उसमें एलन जब लिखा होता है तो उस टाइम पर ये जो वैल्यू है आपकी 2.303 ये आपकी वहां पे लिखी नहीं जाती है, आपने देखा होगा इस एलन को जब क्या करते हैं लॉग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो लॉग में कन्वर्ट करने पर जो भी क्वांटिटी यहाँ पे या जो भी फैक्टर यहाँ पे दिए हुए होते हैं उसको क्या किया जाता है, इस 2.303 वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है। कब ऐसा किया जाता है, जब एलन को किस में कन्वर्ट किया जाता है, लॉग में कन्वर्ट किया जाता है, तब, बिकॉज जो एलन एक्स का वैल्यू होता है वो कितना होता है 2.303 लॉग 10 होता है, इस वजह से ऐसा किया जाता है। मतलब इस log 10 2.303 वैल्यू को हम ln x की जगह क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो जब ln को रिमूव किया जाता है तो उसकी जगह पर इस वैल्यू को पुट किया जाता है, क्लियर है? यस मैम। और जो इसके पहले वाला इक्वेशन था ना जो हम लोग अभी देखे उसमें log दिया है सिर्फ, रुकिए रुकिए मैं उसको लेके आती हूँ फिर आप पूछिएगा।
अब बताइए, अब बताइए, यहाँ पर जो वैल्यू आप देख रहे हो, यहाँ पे भी आपको लॉग 10 ही लिखना है, उसने नहीं लिखा है लेकिन आप लॉग 10 ही लिखोगे यहाँ पे, लॉग 10, क्लियर है? क्योंकि थैंक यू इसमें भी मैम. देखो, हाँ लॉग 10 ही लिखना है, उसने हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो बट आप लॉग 10 ही लिखोगे, ठीक? यस मैम. और किसी को कोई डाउट? चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, और किसी को कोई डाउट होगा तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के पूछ सकते हैं, ठीक? यस चलिए. मैम.